नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं ब्रह्मोरी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और आपके मतलब बहुत सी डिमांड्स आई थी मतलब हमारे कमेंट्स पे कि पार्ट टू कब आएगा, पार्ट टू कब रिलीज़ होगा। तो हम उसी के लिए आज आए हुए हैं उसी सिंचुई गांव में। और मेरे साथ आज फिर से ज्वाइन हुए हैं बोबी भैया। हेलो भाई। हेलो भाई। और ये अभिषेक। तो भाई आज हमें स्टोरी सुनाएंगे त्रिलोचन महादेव की भाई पूरी। बिल्कुल ना, बिल्कुल। और यहीं पर बैठते हैं और चलो आपको स्टोरी सुनाते फिर। सो गाइस, हमारे साथ आज एक और भाई ज्वाइन हुए अभी भाई। हेलो भाई। और वो भी भैया बताना यार स्टोरी थोड़ी त्रिलोचन महादेव जी के बारे में। हाँ बता दो। त्रिलोचन महादेव, जैसे कि आपको पता, वो हमारे पूर्वज थे। तो क्या हुआ था कि मतलब जब बोला मतलब शिव जी ना मतलब 84 से चले गए थे कैलाश की तरफ। तो मतलब कोई पूछता नहीं था कि मतलब वहाँ कोई जाता नहीं था कैलाश वगैरह में। हालांकि शिव जी ने सोचा था कि वहाँ कोई आएगा, मतलब मणिमहेश में पहले कोई नहीं जाता। नहीं नहीं, कोई नहीं जाता था। फिर क्या हुआ कि शिव जी मतलब पाल जो गद्दी वो उसका उनका रूप मतलब जो चलाते उनका रूप धारण करके आया था, गद्दी पाल बन के आया था। तो गद्दी के बेस में, हाँ गद्दी के बेस में आया। तो उसने जब इधर आया तो त्रिलोचन जो थे उनका नाम पहले सिंपल त्रिलोचन था, त्रिलोचन महादेव नहीं था। अच्छा। उनको पूछा कि मतलब आप वो एक नमक होता है उसको उनको भेंटों को मतलब चटाते जब उसने मांगा था, जब शिव जी आया था उसके रूम में, तो उन्होंने बोला कि उसकी माता को कि बोला हमें ये चाहिए। उनके पास नहीं था ये। और उसने ऐसे बोला कि उस पेटी में देखो बोला उधर है। जब उन्होंने वो पेटी खोली थी तो उसमें सच्ची निकल आया था। उन्होंने यही उनको दे दिया वो। तो उन्होंने बोला कि मेरे से उठाया नहीं जाएगा, बूढ़े थे, बोला मेरे से उठाया नहीं जाएगा तो अपने लड़के को भेज दो। बोला मतलब जो गद्दी बेस में है, जो बूढ़े बन के आए, वो बूढ़े बन के आए शिव जी बन गए। तो उन्होंने बोले कि मेरे को यहाँ था, इनको बोले छोड़ दो, मैं तुमको कुछ पैसे या कुछ दे दूँ, कुछ देने के लिए बोला तुमने, पैसे बोला शायद। तो उन्होंने जब आगे चले बोला जाते चलते गए अब मतलब जहाँ जहाँ रुकते ना मतलब शिव जी के चेले वो भी दिखाएंगे आपको बाद में, जब रुकती ना जब तो बताएंगे कि कहाँ कहाँ रुके थे, वहाँ मतलब शिव जी के चेले जो रुकते हैं। अच्छा, अभी भी जब यहाँ से जाएंगे तो रुकते हैं, रुकते हैं भाई पे जहाँ जहाँ रुका था वो बाबा रुकते हैं। चलते गए चलते गए वहां से धनछो जहाँ पे वॉटरफॉल है ना। हाँ, आपने अगर आपने मणिमहेश यात्रा की तो आपको पता होगा वहाँ पे वॉटरफॉल है बहुत अच्छा। भैरव घाटी, बांस गोरी कुंड सभी जगह रुके थे और जा मणिमहेश पहुंच गए थे। ऐसे मतलब उनको बोलते गए कि मैं तेरे को ये दे दूंगा, मैं तेरे पैसे और थोड़े और दे दूंगा। मतलब बंदो गरीबी भी होती थी उस टाइम, तो उन्होंने समझा नहीं कुछ इतना भी नहीं होता। मेहनत का मतलब बंदा कर रहा था तो मेहनत थी ना उसकी, इतनी दूर गया वो चल के। तो चले गए मणिमहेश, तो शिव जी ने की परिक्रमा की पूरी, वो डल जी जैसे शिव जी के चेले करते हैं ना पूरी परिक्रमा। तो परिक्रमा जो करी थी उन्होंने, वो परिक्रमा करी और शिव जी ने उसमें छलांग दे दी, उसमें कूद गए वो डल जी ने। तो उसने गया उनके पैर के निशान देखे उधर, तो उन्होंने पूरा चक्कर लगाया और पैर के निशान। फिर उसने बोला कि बोला मेरे को रास्ता नहीं बोला पता, फिर मैंने जाना था वापसी को, रास्ता नहीं था पता। रास्ता होता नहीं था उस टाइम, रास्ता तो अभी जैसे अभी बना है, पहले नहीं होता था रास्ता। तो उन्होंने अभी भी खराब है, इतना सही भी नहीं है मणिमहेश का रास्ता। तो उन्होंने क्या किया, उसमें वो भी कूद गए, उनको लगी सीढ़ी, फिर सीधा कैलाश चले गए। नहीं मतलब क्या बोले ना, परिक्रमा की थी ना उन्होंने, अभी उपाल के रूप में ही मतलब वो चले गए थे। जब वो दलदल के अंदर चले गए तो उन्होंने सोचा कि ये गायब जो हो गया, तो ये कुछ तो था। तो उन्होंने यार मेरे को रास्ता रूस्ता कुछ नहीं पता, उन्होंने भी उनके पैर के निशान देख के वहां से कूद देगा, वहां से वो कूद गए। तो चले गए थे ऊपर कैलाश, उनको सीढ़ी लगी, सीधा कैलाश चले गए। उधर वो मतलब वो थे दर्जी टाइप थे, कपड़े कपड़े सीते थे हमारे, वो नहीं होते गद्दी पट्टू वगैरह वो जो शॉल वगैरह जो होते हैं, शॉल नहीं गद्दी जो लगाते हैं वो सिलते थे वो। तो सिलते उन्होंने 6 महीने तक वो सिली उनकी, शिव जी पूरी सेवा की उन्होंने 6 महीने लग गया था ना ऊपर, पता की कैलाश में चले गए शिव जी भक्ति की बहुत ध्यान। हाँ तो भाई इसके आगे फिर जो चोड़ी चूड़ी सिलते थे, तो 6 महीने हो गए थे उन्होंने शिव जी की सेवा की, सब कुछ किया, मतलब उधर ही रहते थे वो। तो उन्होंने ये किया कि अब उसने घर की याद आ रही थी उनको, त्रिलोचन महादेव नहीं था उस टाइम, उनका नाम त्रिलोचनी था। तो उनके घर घर की याद आ रही, तो उन्होंने शिव जी को बोला कि बोला मेरे को बोला घर जाना है। तो उन्होंने अब घर की याद आ रही थी, बोला घर जाना है, बोला उन्होंने बोला ठीक है, बोला चल जाओ, बोला आप पहले बोला तीन बर, बोला चलो मैं, बोला मैं इतने खुश हूँ कि बोला तुम तीन वरदान मांग ले बोला मेरे से कि 6 महीने में उनके साथ रहे। हाँ तो उसने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बोला घर जाना मैंने। उन्होंने फिर बोला एक बार फिर से मांग,
तो तीन बोला था ना, पहला तो बोला मैंने घर जाना, दूसरा बोला मैंने घर जाना, शिव जी को, शिव जी का चाहता था कि मेरे यहाँ मेला लगे, ये सब हो, मेरे पास आए। उसने क्या किया, उसको जो शिव जी ने सोचा उसके दिमाग में डाल दी थी ऐसे, बोला ये तो शिव जी ने बोला अब तीसरा मांग। उसने बोला था, बोला जब भी बोला मतलब हो जन्माष्टमी राधाष्टमी हो तो मेरे आए, बोला यहाँ आए सारे, तेरे यहाँ भी रौनके लगे, बोला तेरे मतलब पूजे तेरे को भी यहाँ आके लोग, मतलब तो यहाँ मतलब मेले और मेरे वंश के आए, बोला जैसे तूने मेरी परिक्रमा की है वैसे ही, पर मैं जब मेरे वंश के इस डल झील में मतलब पड़ेंगे तो मतलब तू करो मतलब वो करवाएगा क्रॉस, जो डल झील तोड़ते ना शिव जी जिले, बोला मेरे वंश और मेरे वंश के जो बोलेंगे बोला वो सच होगा। उसने बोला बोला ठीक है, पर बोला अगला मानेगा तो कोई अगर झूठ मानेगा तब, अब झूठ आ रहा देखा, हम भी ऐसे बोलते कि शिव हमको भी बोलते तो हम भी वैसे बोलते हाँ ठीक है हो जाए, इतना कोई दिल से सच्चे दिल से बोल लेगा तो भाई वो बोलते कि बोला होगा पूरा, बोला अगर सच्चे दिल से बोलेगा तो ठीक है। आंखें बंद की, शिव जी ने उनको कितरिया जैसी दी थी, जो कितरिया मतलब कपड़ों की छोटी छोटी सी, छोटे छोटे कपड़े। अब शिव जी तो पत्थर भी देगा तो वो सोने का ही होगा हिसाब से, पर हमको नहीं ना दिखता, एक कैलाश भी सोने का, जैसे मैंने वो बताया था वो जहाँ सब सोने का, पर ये सोने का महल है कैलाश, अब हमको तो लगता नहीं कि सोने का है। और आप वो भैया मेरे को स्टोरी सुना रहे थे, वो आरती सुनाई देती थी वो, हाँ वो मतलब है हमारे ऐसे कुछ बंदे ना शिवजी जी, जिनको मतलब डल झील क्रॉस करना तो यार बैठते ना तो उनको आरती सुनाई देती शाम ऊपर, हाँ मिलाऊ उनसे सबसे। तो क्या हुआ कि मतलब वो चला गया ठीक है, फिर उन्होंने आंखें बंद की और मतलब आंखें बंद की तो एकदम से इधर ऊपर आ गए वो, मतलब आंखें बंद के साथ जाम परमाणी माता का मंदिर है। तो परमाणी माता अब थोड़े वो थे, उनको पता था चला ने दी हुई है तो कितनी है पूरी, उन्होंने कहा कि उनसे मांग ली, अब भोले बंदे बेचारे दे दी उन्होंने भी, एक दो अपने बाद रखी बाकी दे दी। तो आगे आगे इधर मंदिर ऊपर त्रिलोचन महादेव का, जहाँ मतलब जन्माष्टमी मंदिर, मैं बताऊंगा हमको जाना ही पड़ता है डल झील, अगर डल मनमेह जाना तो उससे पहले बांसुरी खड़ी होगी, उन्होंने बांसुरी बजाई थी उनकी ना यहाँ पे 6 महीने थी, मतलब 6 महीने मतलब 6 महीने उन्होंने घर वालों ने सोच ली थी उसके छठा महीना लगा हुआ है, उसकी जब वो लगी हुई थी उन्होंने बांसुरी बजाई और उसकी माँ ने सुन के ही मतलब पहचान लिया कि मेरा, उन्होंने उसकी माँ ने बोला मेरा त्रिलोचन आ गया, बोला तो सारे गांव वाले सोच रहे तो बोला पागल है, बोला कहते आगे बोले उसको मरे हुए 6 महीने हो गए। तो जब वो आ गया तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक, जब आ गया था नीचे घर को तो उन्होंने सोचा ये तो सच्ची आ गया, और उसको मतलब नुआड़ा बना दिया, 6 महीने हो रहे थे उसको नुआड़ा बना दिया उन्होंने, तो फिर नुआड़ा हो गया वो सारा मतलब कर नुआड़ा कर दिया उसके बाद नुआड़ा मतलब हाँ। और तो जब आ गए थे वो तो नुआड़ा तभी बोलते कि मतलब जब मतलब जाने पड़ता ना उससे पहले नुआड़ा देने पड़ते थे, मतलब नुआड़ा होते थे जन्माष्टमी वाले दिन, उस दिन ऊपर जाने पड़ते थे महादेव को पहले मनाने पड़ते कि हमने अब जाना है ये सब, मतलब ऊपर जाते चेला भी वो करता है जो बोलते हैं, तो आगे वो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इधर आ गए तो उनके घर, अब घर वालों को तो डाउट था कि वो गए कहाँ थे इतने दिन कहाँ थे, दिखती बात है महीने गायब रहे एकदम से, और उस टाइम तो कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं हाँ वो भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि ढूंढा हो रहा तो होगा उन्होंने जब तक वो मिले नहीं होंगे। तो उनके घर वालों ने पूछा था, बोले तो आप थे कहाँ, खासकर उनकी पत्नी ने, माँ ने तो नहीं पूछा इतना, मतलब उनको अपनी खुशी थी कि बेटा आ, बेटा माँ को अपनी खुशी की बेटा आ गया और कहते इससे जा, तो माँ ने मतलब उसकी पत्नी पूछ थे कहाँ बोला, तो उन्होंने बोला मत पूछ बोला ये बात है, अब क्योंकि शिव जी ने ऊपर बोला हुआ था अगर बोला तू बताएगा कि मैं कहाँ था, बोला मेरे पास था तो तू नहीं बचेगा, बोला बोला तू मतलब खत्म हो जाएगा। उन्होंने बोला कि चलो, उन्होंने नहीं बोला, फिर उन्होंने बोला ठीक है। जब आगे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि बोला थे का आप, तो उनकी पत्नी ने मतलब उन्होंने बड़ा फोर्स किया कि बोला बताओ बताओ आप थे का, उन्होंने बोला मतलब मत पूछो मेरे से, बोला मैं मतलब नहीं बता सकता, बोला अगर मैं बताऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, बोला तो बोला ठीक है। उन्होंने इग्नोर कर दिया उस टाइम, उनकी अपनी खुशी थी, नुआड़ा चला हुआ था घर में इतना वो नहीं किया। तो अगले दिन जो नैन आने लगे उनको, जो मैंने आपको पत्थर बताया था पिछली व्लॉग में, मतलब मैक्सिमम उसके ऊपर ही बैठ के नहाते थे वो जी। अब बाहर पहले कैसे नहाते थे, मतलब लाड़ी मतलब उनकी लाड़ी वाइफ
तो उन्होंने क्या किया तो उसके ऊपर बिठा दिया, तो शिव जी ने उनको पंजा मारा आशीर्वाद दिया हुआ था, पंजा मारा पीठ पे, हाँ ये बोला आशीर्वाद दिया हुआ था ऐसे ही, उन्होंने वो पंजा देखा कि अब मेरे को बोला सच्ची सच्ची बताओ कि आप थे कहाँ, तो उन्होंने नहीं मानने बोला, बोला नहीं मानना बोला ना, तो बोला सुन तू, फिर वो उन्होंने स्टोरी बताई और पता नहीं स्टोरी सारी बता दी उन्होंने कि यहाँ यूं था मैं ये कर रहा था इतने महीने यहाँ था मैं, मतलब बता दिया सब, बता दिया शिवगान के पास थे कैसे गए सब, और बताया तो उसकी वजह से ही पता है बाकी तो कैसे बता रहा था, तो बता दी उन्होंने कि मैं शायद यहाँ गया हुआ था उसके पास था मैं इतने दिन ये सब किया, तो अचानक ही पता नहीं क्या हुआ उनको भी मतलब उठे ऊपर एकदम से चले गए यहाँ से ऊपर से भागते भागते ग्रीमा से पहुंच, ग्रीमा आपको बताया था मैंने, खड़ी पहुंची उन्होंने खड़ी मतलब पानी मांगा था तो घड़े में पानी था पर उन्होंने पानी नहीं दिया उसको, उनको बोला कि नहीं नहीं है नहीं पानी हम देना, उसने क्या कि अब चला हुआ था ना उसके अंदर, वो था क्रोध था, वो शिव जी था उसके अंदर चला हुआ, उसको क्रोध भी था अपनी पत्नी का कि उसने मेरे से पूछी ये बात कि उसको मैंने बोला था कि मैं नहीं रहूंगा, तो चलते चलते उन्होंने बोला कि बोला यहाँ पानी सूख जाएगा और खड़ी आज तक पानी नहीं आता, अभी भी नहीं आता, अभी भी पानी नहीं आता खड़ी में, और वहाँ से उतर गए वो लाल लाल उनसे एक बूढ़ी से पानी मांगा, बूढ़ी ने बोला कि बोला आप इधर बैठो थोड़ी देर मैं लेके आती हूँ नीचे से, नीचे गए बेचारी बूढ़ी थी नाले में गई वहाँ से पानी लेके आई, पानी लेके आई ऊपर तो उसने बोला बोला बूढ़ी अम्मा बोला बोल क्या चाहिए तेरे को, बोला उन्होंने बोला 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 बच्चे बाकी तो क्या सब कुछ है पानी लेने बड़े दूर जाने पड़ता बोला, और मेरा बोला शरीर भी आपको इतना काम नहीं करता है, अब बुढ़े इतना कितना कर चलेंगे बेचारे, तो उन्होंने बोला ठीक है बोला मैं अब करता हूँ उन्होंने कुछ माँ के दाने लिए थे 5 माह के दाने और ऐसे फेंक के थे कुछ फूक के फेंक के, तो उधर 5 नाड़े आए थे कि क्या होता है जो पानी नेचुरल वाटर आ गया, नेचुरल वाटर आ गया था 5 कुछ वहाँ से चले गए, ठीक है लास्ट टाइम वो सिर्फ रुके थे खड़ा मुख में, उधर उन्होंने छलांग मार दी थी खड़ा मुख में जो फ्रेम है, तो उधर सोच रही थी कि अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि उसको अब वो चाह के भी नहीं बच सकता था, वो मतलब वो खुद को रोकना रोक सकते थे वो खुद को पर वो नहीं रुक सकते थे, मतलब चाह के भी नहीं रुक सकते थे वो, तो उन्होंने कूद के उधर हो गए, टाइम हुआ कुछ फिर उन्होंने कहिए कि मतलब एक उनकी जो शरीर की थी वो बनी अब भगवान बन गए हुए थे पहले, तो मूर्ति मारती बन गई हुई थी उनकी, तो उन्होंने फंसे हुए थे किसी जगह वो मूर्ति, वो उन्होंने दरबार लगे पंडित जो है उनको दिया सपना कि बोला मैं इस जगह फंसा हुआ हूँ मेरे को यहाँ से निकालो और लेके जाओ बोला यहाँ से, और मेरा यहाँ आया मंदिर बसाओ ऐसा करो, बोला तुम बोला उठाओगे जा भी ना तो बोला वहाँ मतलब एक बार उठाए जा रख दोगे वही मंदिर बन जाना मेरा, बोला अच्छा उन्होंने उठाई और दरवाला जा भी मंदिर है ना वही रखी हुई वो मूर्ति नहीं उठाई जाती उधर ही रखी हुई है, उधर उन्होंने ऐसे बड़ा अच्छा मंदिर बन गया उसके अंदर पेंट वगैरह कर दिया वो सब अच्छे से, तो उन्होंने वो बना दिया उधर, उन्होंने बोला कि मेरे को 2 टाइम भोग लगना चाहिए उधर, 2 टाइम भोग लगता अभी भी, और जो मूर्ति मतलब अब मंदिर देखोगे ना आप ले जाना इनको मतलब उस जगह साथ में चलेंगे कभी, हाँ कभी साथ में चलेंगे पूरी उधर बताऊंगा क्योंकि हमको पंडित ने बताया जब हमने पंडित पूछा था ना तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि तिलोचन महादेव चूहिंग का, उनको भी इतनी स्टोरी नहीं थी पता उनके दादा दूदा को शायद पता, तो उन्होंने बोला कि तिलोचन महादेव जैसे ये मूर्ति है ना ऐसी मूर्ति है, और फोटो दिखाई थी मैंने आप फोटो भेजूंगा मैं वो फोटो लगा, हाँ, वो हाँ। तो ऐसे ऐसे था ना अपर, और उसके ऊपर से पानी और दूध बहता था उस मूर्ति को धोने के लिए अपने आप, खुद मूर्ति को धोने के लिए अपने आप, मूर्ति को धोने के लिए पानी और दूध आता था अपने आप, पंडित ने बताया था हमको उसकी आंखों की बात है वो, क्या वो एक बाबा साधु गोरी टाइप आया बोला उधर, उसने बेचारा भूखा होना है या प्यास लगी होनी, उसने यहाँ से हाथ लगाया ऊपर मूर्ति के ऊपर हाथ लगा दिया बोला ऐसे पी लिया, उसी जस्ट जिस टाइम ऐसे पिया उसी टाइम वो सूख गया था अपने आप, क्योंकि वो क्यों बोलते कि बीच उधर बड़ा अच्छा मंदिर बना है हवन कुंड ऐसे बीच में बड़ा बड़ा, मैं लेके चलूंगा आपको भी वहां पे, इतनी बड़ी वो लगती है उधर, तो उसके ऊपर से चेला बोलते नाचते नाचते उठता है ऐसे, क्या होता है नाचते नाचते बोला पार करता वो है? और बड़ी बड्डी जैसी हो लगती है, तो ये बाकी बस इतनी स्टोरी थी, इसके बाद इसका नाम त्रिलोचन महादेव पड़ गया था।
तो भाई इतनी स्टोरी थी ना कुछ इतनी थी बात, बात, बात की तो आपको तो लगेगा पता जब चले जाते हैं उधर जब मनीष जब यात्रा साथ में करेंगे हम। हाँ जी तो गाइज आई होप ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी, और पसंद आई थी वीडियो को करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और नया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। और भाई जल्द लेके चलेंगे बिल्कुल त्रिलोचन महादेव के मंदिर में, और वो बताएंगे कि जब शिव जी चले जाते तो आपको बताएंगे त्रिलोचन को कहां कहां मतलब ये एक समझ के चलना कि वो त्रिलोचन महादेव ही जा रहा है प्रैक्टिकली करके। बिल्कुल हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है भैया, थैंक यू भैया।